हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को गांधीयन इरा के बारे में स्टार्ट करा दिया था। गांधी जी की जो जर्नी रही है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम वही सब डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से एकदम लेकर चलेंगे। मैंने आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एकदम शुरू से प्रोवाइड कराई है। अगर आप लोगों ने उन लेसन्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका काफ़ी सारा शेयर रहता है एग्ज़ाम्स में। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लगे हैं, ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा यही एफर्ट रहता है कि हम आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सकें और जल्दी से जल्दी जॉब पा सकें। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम आप लोगों की इस जर्नी में आप लोगों के साथ हैं। इस वीडियो को आप लोग रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे आप लोगों के लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स का इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नी ऑफ गांधी जी इन इंडियन हिस्ट्री। गांधी जी की जो जर्नी है, जो उनका पाथ है, वो क्या रहा, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। सबसे पहले हम उनकी एक कोट देखते हैं, मैंने फ्रंट पेज पे ही डाली है। माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर आप लोग मेरे जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो वही मेरा संदेश है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, इस बार थोड़ा फनी सा इंट्रोडक्शन है जिससे कि आप लोग एंजॉय करें। हेलो, आई एम स्वाति गुप्ता एंड आई एम हेयर बिकॉज आई लव टू गिव प्रेजेंटेशंस। मतलब मुझे प्रेजेंटेशन देने की बहुत चूल है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। इस कंटेंट की आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलेगी। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। गांधी जी की जो जर्नी रही है साउथ अफ्रीका में, पहले उसे भी डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों के लिए गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो 1915 में भारत आए थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, मैं वो स्टार्ट करने जा रही थी। लेकिन कल मैंने हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और उसमें गांधी जी के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है साउथ अफ्रीका में, उनके बारे में भी कई क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेते हैं, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी। इन्हें हम महात्मा गांधी या फिर बापू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। हिज रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था भारत की आज़ादी में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों है? देखिए, इन्होंने लोगों को जागरूक किया, साथ के साथ जो इन्होंने पाथ चूज किया था वो अपने आप में स्पेशल है। जो इनका रास्ता था वो था अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस का रास्ता इन्होंने चुना था। और लोगों को ये बताया था कि आज़ादी की कीमत क्या होती है, आज़ादी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, आज़ादी हमें क्यों चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, अपने आप में बहुत ही अलग थे। क्योंकि नॉन वायलेंस का जो रास्ता चुना था, ये वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया था और आज भी ये उतना ही अप्लाई होता है जितना उस टाइम पर अप्लाई होता था।
नॉन वायलेंस से इन्होंने ये भी दर्शा दिया था कि ह्यूमैनिटी को कितना प्यार करते हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स ही क्यों ना हो जो हम पे रूल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भी ह्यूमंस हैं तो इसलिए हम नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर आज़ादी लेंगे। देखते हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप में स्पेशल क्यों था। एंड अकॉर्डेड सत्याग्रह, इन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। सत्याग्रह मीन्स अपील फॉर द ट्रूथ, सच्चाई के लिए इन्होंने अपील की थी। सत्याग्रह द बेस्ट एंड इनफेलिएबल वेपन, सत्याग्रह को इन्होंने माना कि ये ब्रह्मास्त्र है, ये सबसे अच्छा अस्त्र है जो कभी नहीं गिरेगा। एंड कॉल देम कट डाउन देयर सेंचुरीज ओल्ड चेन्स ऑफ स्लेवरी, और जो आज़ादी के लिए उन्होंने लोगों में रुतबा जगाया जिससे कि वो गुलामी की जंजीरों को काट सकें। ही वॉज ऑल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो किस किस से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। हरिश्चंद्र, देखिए आप लोग जानते हैं राजा हरिश्चंद्र को सच्चाई के लिए पूजा जाता है भारत में। हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार, श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र की स्टोरीज से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए इन्होंने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का पाथ अपनाया था। महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, अब देखते हैं गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका में स्टे है वो कैसा रहा था। ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका में रुके हुए थे, फेस्ड ह्यूमिलिएशन, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ, उन्हें नीचा दिखाया गया, डिस्क्रिमिनेशन हुआ जो कि ब्लैक्स के साथ होता था। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में। जो वाइट्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियंस थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो ब्लैक्स थे उनको नीचा दिखाया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। वही भेदभाव इंडियंस के साथ भी किया जाता था, और गांधी जी ने वही भेदभाव वहां पर सहा था। देखिए इनकी ये कोट है, आप लोगों के एसेज में बहुत काम आने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोट्स भी डाली हैं जिससे कि कंटेंट बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड हो जाए। द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड, एक देश की महानता इस बात से देखी जा सकती है कि वहाँ पर जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कोट है, आप लोग एसे में डाल सकते हैं। ये देखिए ये गांधी जी का लाइफ चेंजिंग इवेंट है। महात्मा गांधी जी के पास क्लास 1 कोच का टिकट था, लेकिन क्योंकि वो वाइट नहीं थे, यूरोपियन नहीं थे, तो इसलिए उन्हें क्लास 1 में ट्रेवल करने का अधिकार नहीं था। क्योंकि वो एशियन थे, इसलिए क्लास 1 कोच का टिकट होने के बावजूद भी उन्हें कोच से धक्का मार के निकाल दिया गया था, और उन्होंने पूरी रात पीटस मारीबर्ग के रेलवे स्टेशन पर गुजारी थी। और वो रात उनके अंदर इतनी बुरी तरीके से समा गई थी कि उन्होंने सोचा कि इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को खत्म करूंगा, इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तो ये उनका लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था। हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है और उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। फिर वो कभी नहीं रुके, इसके बाद वो कभी नहीं रुके, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ते रहे, साउथ अफ्रीका में भी लड़े, फिर इंडिया में भी आके लड़े, और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाकर उन्होंने दम लिया। महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या कार्य किए। महात्मा गांधी डिड इन साउथ अफ्रीका, ही ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट, उन्होंने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो कि वहां पर ब्लैक अफ्रीकन्स फेस कर रहे थे। इंडियंस, इंडियंस मतलब इंडियंस के साथ सभी एशियंस, ब्लैक अफ्रीकन्स और सभी एशियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। तो इन्होंने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया 1894 में। नेक्स्ट इनका वर्क देखते हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स फॉर द ब्रिटिश। देखिए जब वहां पर बोर वॉर हुई 1899 में, जब बोर वॉर हुई तो इन्होंने क्या किया, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑर्गेनाइज किए, ब्रिटिशर्स को हेल्प किया,
यहाँ पर उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, इंडियंस को ऑर्गेनाइज किया, एम्बुलेंस लगाई जो ब्रिटिशर्स वॉर में घायल हो रहे थे उनको ठीक करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक मैसेज दिया कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, रेसिस ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। वो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते थे, उन्हें समझाना चाहते थे ह्यूमैनिटी क्या है और इंडियंस कैसा फील करते हैं जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ही सेट अप फिनिक्स फार्म नियर डरबन। गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की डरबन के पास। वे गांधी ट्रेंड हिज कैडर फॉर पीसफुल रेस्ट्रेंट और नॉन वायलेंट सत्याग्रह। जहाँ पर गांधी जी ने अपने लोगों को नॉन वायलेंट सत्याग्रह सिखाया, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, वो भी नॉन वायलेंट तरीके से, बिना हिंसा के इस्तेमाल किए सत्य दिखाना, सत्य के लिए आग्रह करना, डिमांड करना। दिस फार्म कंसिडर्ड एज बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह। ये फार्म है फिनिक्स फार्म, सत्याग्रह का बर्थ प्लेस है, मतलब जहाँ पर सत्याग्रह ने जन्म लिया, फिनिक्स फार्म कहेंगे हम उसे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ही ऑल्सो सेट अप अनदर फार्म विच इज कॉल्ड टॉल्स्टॉय फार्म। इन्होंने एक और फार्म की स्थापना की जिसे हम टॉल्स्टॉय फार्म के नाम से जानते हैं। द प्लेस वेयर सत्याग्रह वॉज मोल्डेड इंटू अ वेपन ऑफ प्रोटेस्ट। ये वो जगह है जहाँ पर सत्याग्रह को प्रोटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो है हमारा टॉल्स्टॉय फार्म। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट नॉन वायलेंट सत्याग्रह कैंपेन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पहला नॉन वायलेंट सत्याग्रह कैंपेन कब ऑर्गेनाइज किया था? सितंबर 1906 में। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में, सितंबर 1906 में ऑर्गेनाइज किया था। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसके अगेंस्ट था? ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस। ये ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट था। अब ये ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस क्या था, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, ट्रांसवाल में जो एशियंस रह रहे थे या फिर जो इंडियंस रह रहे थे, उन्हें अपने साथ हमेशा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैरी करना होता था। अगर वो सर्टिफिकेट कैरी नहीं करते हैं, या तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता था बिना किसी परमिशन के, या फिर उन पे फाइन लगा दिया जाता था। और जो इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट था वो भी बंद कर दिया गया था, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में इंडियंस या फिर एशियंस नहीं जा सकते थे। और उनकी जो मैरिजेस थी, कुछ मैरिजेस को रद्द कर दिया गया था। तो ये बहुत ही बुरा ऑर्डिनेंस था, एशियंस ने बहुत सफर किया, स्पेशली इंडियंस ने भी। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स थे उन्हें पब्लिक में जला दिया था। आफ्टर दैट ही ऑल्सो हेल्ड सत्याग्रह अगेंस्ट ब्लैक एक्ट। इसके बाद उनका जो अगला सत्याग्रह था वो ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट था, जून 1907 में, जून 1907 में। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है ये ब्लैक एक्ट क्या है। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये ब्लैक एक्ट क्या है। आगे देखते हैं, ही वॉज सेंटेंस टू जेल। गांधी जी को जेल भेज दिया गया फॉर ऑर्गेनाइजिंग द नॉन वायलेंट मूवमेंट इन 1908। एक और नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए 1908 में गांधी जी को जेल भेज दिया गया, लेकिन वो जल्दी ही रिलीज हो गए थे। आफ्टर मीटिंग विद जनरल स्मर्ट्स, जनरल स्मर्ट्स से मिलने के बाद, जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के स्टेट्समैन थे। जनरल स्मर्ट्स से मिलने के बाद, जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के स्टेट्समैन थे, गांधी जी को छोड़ दिया गया। ही वॉज सेंटेंस टू अ 3 मंथ जेल। उन्हें 3 महीने की फिर से जेल की गई वोक्स हर्स्ट में, जो कि प्रिटोरिया में है,
वो हस्ट एंड प्रिटोरिया इन 1909 1909 में। वहां से रिलीज होने के बाद वो लंदन गए। लंदन किस लिए गए? जिससे कि वो इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट जीत सके लंदन में। लेकिन जो उनके प्रयास थे, जो एफर्ट्स थे, वो व्यर्थ गए। उन्हें लंदन में इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिला। गांधी जी ने एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। ही ऑर्गेनाइज्ड एनदर सत्याग्रह मूवमेंट इन ट्रांसवाल। ट्रांसवाल में ही, देखिए मैंने आप लोगों को ट्रांसवाल ऑर्डिनेंस एक्ट के बारे में बताया था। उसमें इंडियंस का या फिर एशियंस का इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो गांधी जी ने एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट द ऑपरेशंस दैट इंडियन माइनर्स वर सफरिंग। इंडियन माइनर्स पर, जो छोटे बच्चे थे, उनके खिलाफ जो ऑपरेशंस हो रहे थे, उनको जो यातनाएं दी जा रही थी, उसके खिलाफ गांधी जी ने एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। ही लेड अराउंड 2000 इंडियंस। उन्होंने 2000 इंडियंस का नेतृत्व किया। 2000 इंडियंस को लेकर ट्रांसवाल का जो बॉर्डर था उसे क्रॉस किया था, इलीगली बॉर्डर को क्रॉस किया था, कि वो उस चीज़ के अगेंस्ट हैं, इंडियंस पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, और जो हमारा ट्रांसवाल ऑर्डिनेंस एक्ट है, जो कि इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट को बैन कर रखा था। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी ने कंट्रीब्यूट की साउथ अफ्रीका में। गांधी जी के एक और कोट है, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। आप संसार में जो चेंज, जो बदलाव देखना चाहते हैं, पहले वो बदलाव अपने आप में कीजिए, खुद से शुरुआत कीजिए। ये कोट भी आप लोगों को ऐसे में बहुत यूजफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप लोगों को इस कंटेंट की अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और शेयर भी कर दीजिए। आप लोग मेरे साथ इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन रखिए। मुझे आप लोगों के नाम भी याद हैं, जो लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं, और मैं चाहती हूँ आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे कि आप लोगों की लर्निंग आसान हो जाए और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आए। पार्टिसिपेशन आप लोगों का बहुत ही ज़रूरी है। शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को इसी तरीके से वैल्यू एडिड कंटेंट देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।